सो हेलो क्यूरियस यूनिवर्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स अवे। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस बोतल को देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा केचप का बोतल है। कराटे, जिसे एक जापानीज मार्शल आर्ट के रूप में जाना जाता है, उसका इन्वेंशन एक और जनजाति ने किया था, और वो भी जापानीज के खिलाफ ही फाइट करने के लिए। और एक बार एक आदमी ने लाइब्रेरी से एक बुक को लिया था, जिसे 288 साल बाद लाइब्रेरी को वापस लौटाया गया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड है एज मोस्ट ओवरड्यू लाइब्रेरी बुक। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जिसे शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है हम ऑन एन एवरेज एक मिनट में 12 बार हमारे आंखों को ब्लिंक करते हैं। हम एक दिन में जितना टाइम जागे हुए होते हैं, उस टाइम में से 10% हम अपने पलक झपकाने में ही लगा देते हैं। मतलब अगर हम एक दिन में 8 घंटे सोए और 16 घंटे जागे हुए रहे, तो उस 16 घंटे में से 1.5 घंटे से भी ज़्यादा समय हम हमारे आँखों को ब्लिंक करने में ही लगा देते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम जिंदगी में जितना समय जागे हुए होते हैं, उस टाइम में से 10% पलक झपकाने में ही लगा देते हैं। फैक्ट नंबर टू, किसी के ऊपर आपके फर्स्ट इम्प्रेशन का 62-90% आपके आउटफिट्स के कलर से डिसाइड होता है। जब लोग पहली बार मिलते हैं, तब उनके फर्स्ट इम्प्रेशन में कलर रिकॉग्नाइजेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। फर्स्ट डेट में अगर लड़के ब्लू कलर पहन के जाए और लड़कियां रेड कलर पहन के जाए, तब उनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता है और सेकेंड डेट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जॉब इंटरव्यू देते वक्त अगर कोई ब्लैक कलर पहन के जाए, तब उनके हायर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक कलर पहन के जाने से ही कुछ नहीं होगा, आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए। फैक्ट नंबर थ्री, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, अगर किसी लड़की को किसी लड़के पर या किसी लड़के को किसी लड़की पर क्रश हो और वो क्रश 4 महीने या उससे ज़्यादा समय के लिए बना रहे, तो वो टेक्निकली लव है। फैक्ट नंबर फोर, कराटे, जिसे एक जापानीज मार्शल आर्ट माना जाता है, दरअसल उसका इस्तेमाल एक और जनजाति द्वारा जापानीज के ही खिलाफ किया जाता था। 1916 में पहली बार कराटे जापान में आया था। उसके पहले इस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल पूरी तरह से ओकिनावा द्वीपवासियों द्वारा किया जाता था, जिन्होंने सदियों पहले इसे जापानीज के खिलाफ वेपनलेस डिफेंस के साधन के रूप में विकसित किया था। फैक्ट नंबर फाइव, अगर आप किसी को 20 सेकंड से ज़्यादा समय के लिए हग करोगे, तो उस शख्स के लिए आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी को 20 सेकंड से ज़्यादा समय के लिए हग करने से हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जो उस शख्स के लिए हमारे अंदर ट्रस्ट पैदा करता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी को एक दिन में सिर्फ 10 सेकंड के लिए भी हग करते हो, तो ये आपका ब्लड प्रेशर कम कर देता है और आपको जीवन में आशावादी बनाए रखता है। जब आप किसी को हग करते हो, तो उस इंडिविजुअल के लिए आप एक इमोशनल रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस करते हो। फैक्ट नंबर सिक्स, टैटूज तो हम में से बहुत लोगों को पसंद है और हम में से बहुत लोगों के शरीर में तो टैटूज बना हुआ है, लेकिन वो टैटू हमारे शरीर का कितना परसेंट कवर कर सकता है? 5%, 10% या मैक्स टू मैक्स 30%। लेकिन लकी डायमंड रिच नाम का एक आदमी है, जिसके शरीर का 100% टैटू से कवर्ड है। लकी डायमंड रिच का जन्म 1971 में न्यूजीलैंड में हुआ था और उनका असली नाम है ग्रेगरी पॉल मैक्लेन। न्यूजीलैंडर होने के नाते रिच का बचपन से ही टैटूज के ऊपर आकर्षण था। रिच ने अपना पहला टैटू अपने हिप्स के ऊपर एक छोटा सा जगलिंग क्लब का बनाया था, लेकिन आज रिच अपने शरीर के हर इंच पर इंक लगा चुके हैं। आज उनके शरीर के हर हिस्से पे टैटू बना हुआ है, इंक्लूडिंग माउथ, आईलिड्स, ईयर एंड फोरस्किन। फैक्ट नंबर सेवन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इस दुनिया में मोस्ट ओवरड्यू लाइब्रेरी बुक को लाइब्रेरी से जिस दिन लिया गया था, उसके 288 साल बाद लाइब्रेरी को लौटाया गया। 1668 में कर्नल रॉबर्ट वेलपूल ने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में
सिडनी सेक्स कॉलेज से आर्च बिशप ऑफ ब्रीमेन के बारे में लिखे हुए एक बुक को लिया था, जिसे सर जॉन क्लम ने 288 साल बाद ब्रिटेन के तत्कालीन मार्कस के लाइब्रेरी में पाया था। उन्होंने उस बुक को लौटा दिया, लेकिन उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। फैक्ट नंबर 8, बिजली के एक बोल्ट का टेम्परेचर 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर पहुंच सकता है, जो सूरज के सरफेस से 5 गुना अधिक गर्म होता है। एयर इलेक्ट्रिसिटी का एक पोर कंडक्टर होता है, जिससे लाइटनिंग जब उससे पास होता है तब वो एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है। एक बोल्ट ऑफ लाइटनिंग में इतना एनर्जी होता है जिसे एक घर में एज ए सोर्स ऑफ पावर 2 हफ्ते तक यूज किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, बेब रथ नाम के एक प्रोफेशनल अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर थे, जो अपने सर को ठंडा रखने के लिए अपने कैप के नीचे एक कैबेज लीफ को रखते थे, जिसे वो हर 2 इनिंग्स के बाद चेंज करते थे। फैक्ट नंबर 10, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस बॉटल को देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा केचप का बॉटल है, जो इलिनॉइस के कॉलिन्सविल शहर में रूट 159 के किनारे स्थित है। 170 फीट लंबे इस बॉटल को 1949 में W.E. कैल्डवेल कंपनी ने बनाया था। 20वीं सदी में सड़क के किनारे अमेरिका के एक्सीलेंट एग्जाम्पल के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा केचप का बॉटल होने के नाते ये नेशनल अट्रैक्शन अर्न करता है और हर दिन अपने तरफ कई टूरिस्ट को आकर्षित करता है। 2002 में इसे अमेरिका के नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेस में शामिल किया गया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।